सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ मैं एक और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर। पंजाब की ये रेसिपी है, इसे कहते हैं घोटे वाले शलगम, और पंजाब में इसको गोंगलू भी बोला जाता है। तो थोड़े से अलग तरीके से इसको बनाया जाता है, पंजाब में तो ये कॉमन है और बहुत ही अच्छे बनते हैं। मक्का और बाजरा की रोटी के साथ खाने का इसका मजा आ जाता है। तो आज मैं आपको वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो कीजिएगा सब्सक्राइब। तो इस तरह से छलगम को हम छील के, ये बाकी के छलगम मैं छील के रख चुकी हूँ, इन्हें हमें रफली चॉप कर लेना है। इस तरह से कुकर में मैं बना रही हूँ। प्लान तो मेरा था इसको बाहर चूल्हे पे बनाने का आंगन में, बट मौसम कुछ खराब चल रहा है इसलिए मैं इसे बाहर नहीं वीडियो शूट कर पाई। तो मैं अंदर ही आपको किचन में प्रेशर कुक में ही करके मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम इसको रफली चॉप कर लेंगे सारे शलगम। इसमें मैं डालूंगी लगभग 1 कप पानी। कुछ नमक डाल देंगे, बाकी बाद में चेक करके डालेंगे। थोड़ी हल्दी डाल के इसको अब हम करेंगे प्रेशर कुक। इसको एक विसल आने के बाद 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे, जिससे ये छलगम पूरी तरह से गल जाएंगे। उसके बाद हम बाकी का करेंगे, इसका आगे का प्रोसेस। ये छलगम को मैंने प्रेशर कुकर में 5 मिनट तक ही पकाया। देखिए अच्छे से गल गया है, और फिर इसको मैंने एक छन्नी में डाल के इसका पानी ड्रेन कर दिया है। और अब इसे हम गरम गरम ही रखना है, ठंडा नहीं होने देना इसको। ये बर्तन में कर रही हूँ शिफ्ट। और अब हमने करना है अपना इसको घोटने वाला काम, पंजाबी में कोटना कहते हैं इसको। देखिए ये दो तरह की चीजें होती हैं। ये होता है, ये है मथनी, पंजाबी में इसे मथानी कहते हैं, और ये होता है कोटना, जिसे पंजाबी में जिसे हम इसको घोटेंगे इसको घोटना बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा इसे हिंदी में क्या कहते हैं। और इससे अब हमने इसको घोटना है अच्छे से, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसमें देखिए डालेंगे हम ये गेहूं का आटा। साग में भी इसी तरह से डाला जाता है, आप गेहूं की जगह पे मक्की का आटा भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें गेहूं का आटा डाल दिया है, और इसको अब हमने अच्छे से घोट लेना है, बिल्कुल अच्छे से। हाथ बचा के, गरम है ये काफी। इसमें मैं 1 चम्मच आटा और डाली हूँ। ये छलगम टोटल मैंने 2 किलो छलगम से बनाया है, तो मैंने इसमें 3 चम्मच गेहूं का आटा डाल दिया है। और इसको इतने अच्छे से घोटना है कि बिल्कुल मलाई जैसा कर देना है, साबुत नहीं रहना चाहिए इसमें कोई भी छलगम। तो ये हमारे छलगम अच्छे से घुट गए। अब ये कर लिया मैंने सरसों का तेल गरम। सरसों के तेल में मैं इसको छोंकने वाली हूँ। सरसों का तेल जैसे हम लोग नॉर्मली जलाते हैं, फिर थोड़ा सा ठंडा कर लिया, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर लिया। और उसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले ये जीरा, और जीरे के साथ ही चॉप किया हुआ अनियन, प्याज थोड़ा ज्यादा डालेंगे इसमें। ये मैंने इसमें 2 बड़े वाले प्याज डाले हैं, और यहाँ प्याज के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन भी कटा हुआ। ये मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन है और 2 बड़े चम्मच ही अदरक लिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च अभी थोड़े रुक के डालेंगे, अभी डाल देंगे तो जल जाएगी हरी मिर्च। और अब 3 चीजों को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। ये प्याज हमारा गुलाबी होना शुरू हो गया है, अब इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट है ही, ये मैंने डाल दिया इसमें 3 हरी मिर्च। और साथ ही मैं डाल रही हूँ ये टमाटर, 2 टमाटर ये चॉप किए हुए, जिसे एक साइड से रखती हूँ मैं। टमाटर पहले डाले मैंने, मिर्ची बाद में डाल दूंगी, देगी मिर्च। ये क्यों डाल रही हूँ बाद में, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो नाना करते करते भी जो मिर्ची होती है वो ज्यादा लाल हो जाती है, और फिर इसका रंग थोड़ा सा काला या ब्राउन में हो जाता है, हमें रेड कलर चाहिए। ये देगी मिर्च मैंने टमाटर डालने के बाद ऐड करी है, और
बाकी जो भी मसाले आप डालना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्दी हमने शलजम में डाली हुई है, थोड़ी सी और डाल देते हैं इसमें। नमक भी हमने डाला हुआ है इसमें, तो चेक करके डालेंगे बाद में हम। वापस में ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, वैसे भी ये हमारी एक ऑथेंटिक डिश है। पहले ज़माने में कहाँ इतने गर्म मसाले ये सब चीज़ें यूज की जाती थी, तभी उन चीज़ों का टेस्ट इतना बढ़िया लगता था। आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा मसाले यूज करने लगे हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी देशी डिशेज हैं उनमें मसाले कम से कम ही यूज किए जाते थे। अब ये टमाटर को हम अच्छे से गला लेंगे। अब ये मसाला हमारा तैयार है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, ऐसे ही बस हमने टमाटर को भी पका लिया है। थोड़ा थोड़ा सा मसाला ये खड़ा खड़ा सा ही अच्छा लगता है। अब ये जाएगा शलजम के अंदर। अब इन्हें हम अच्छे से पकाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसे कम से कम 10 मिनट तो शलजम को मसाले के साथ पकने देंगे ढककर। मैंने उसी पैन में से पानी घुमा के इसमें डाल दिया है, लगा हुआ मसाला भी इसी के अंदर आ गया। गर्म पानी लिया है मैंने, आप भी गर्म पानी का ही यूज करें। तो इसको अब हम ढक के बहुत अच्छे से पकाएंगे, फ्लेम कर देंगे धीमी। आप चाहें तो इसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लीजिएगा। अभी तैयार है हमारे शलजम, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मैं तो बनाने वाली हूँ भी मक्का की रोटी इसके साथ। आपको जो भी रोटी पसंद हो उसके साथ खाइए, खा के आ जाएगा आपको मजा। और बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।